तो पहला चैलेंज बारिश के हवाले से हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करना। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन कोई 10 रोज़ कबल एक प्रॉपर प्लान के साथ हमने नालों की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 85 MJD के दो प्रोजेक्ट, एक 60 MJD का और एक 25 MJD का, जो पानी को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, रिसाइकिल करके सनती इस्तेमाल किया जाएगा उसका। इब्राहिम हैदरी में इंशाल्लाह 5 MJD का डीसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार है, जल्द उसकी कंसल्टेंसी होकर प्रोक्योरमेंट फेज़ में हम चले जाएंगे। बकरीद आने वाली है, आलाइशों के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह कल उसके ऊपर हम सब जॉइंट एक मीटिंग करेंगे सॉलिड वेस्ट के साथ, ताकि उसका एक हम डिप्लॉयमेंट प्लान अपना बना सकें। तो पहला चैलेंज बारिश के हवाले से हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करना। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन कोई 10 रोज़ कबल एक प्रॉपर प्लान के साथ हमने नालों की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। शहर के तमाम नालों के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है और कोऑर्डिनेशन के साथ KMC भी उसमें है, सिंध सॉलिड वेस्ट भी उसके अंदर है, स्वीप का इदारा भी उसके अंदर है, ताकि सब मिलकर काम कर सकें। और नालों की सफाई हो रही है, कहीं पर मैं जाता हूँ, कहीं पर सलमान जाते हैं, कहीं पर नजमी भाई जाते हैं, कहीं पर करमल्ला, आसिफ खान, दिल मोहम्मद, हमारे तमाम जो अराकीन पीछे मौजूद हैं वो जाते हैं। और ये 4 महीने का ऑनगोइंग प्रोसेस होगा हमारा, ताकि मेक श्योर किया जाए कि कहीं पर अगर कचरा आ जाता है उस कचरे को फौरी तौर पर निकाल लिया जाए और कोई चोकिंग पॉइंट ना हो। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल हमने कामयाबी के साथ इसी फॉर्मूले को फॉलो किया था। और आपको याद होगा 1150 mm बारिश हुई थी, कराची शहर बंद नहीं हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स डिवॉल्व कर दिया गया है और वो उस वक्त DMC से इकट्ठा करी थी। अब आज चूँकि टाउन मार्ज वजूद में आ गया है, अब टाउन उसको इकट्ठा करेंगे। और शहरियों को ये पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ शहरियों को कि आप जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं वो आपके टाउन के पास जाएगा और टाउन के पास ये इंसेंटिव होगा कि पैसे इकट्ठा कोई और कर रहा है, खर्च कोई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इकट्ठा भी ये लोग करेंगे, खर्च भी ये लोग करेंगे, ताकि ज़्यादा बेहतर डिलीवरेंस उन गली मोहल्ले की सड़कों के ऊपर हो सके। कराची को दो जगहों से पानी सप्लाई होता है, एक है किंजर और दूसरा है हब डैम। हब डैम की टोटल जो हमें सप्लाई की एलोकेशन है कराची शहर को, वो 100 मिलियन गैलन है योमिया, यानी कि दिन में 100 मिलियन गैलन पानी कराची शहर को मिलता है। 100 MJD का वो मंसूबा है। 1960 की वो लाइन है, कभी किसी ने उसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की। पहला फ़ैसला हमने ये किया है कि उसकी नई कनाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाली जा रही है। वो नई कनाल जो मौजूदा कनाल है उसी के बराबर में डाली जा रही है, ताकि रूट उसका क्लियर हो, कोई इंक्रोचमेंट का मसला ना आए। उसका प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी तैयार हो गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट की मदद के साथ वो काम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह वो 100 MJD हब से कराची शहर को पानी मिलेगा। और जो मौजूदा लाइन है जिससे हमको तकरीबन कोई 50-55 MJD मिल पाता था, उस लाइन को भी हम ख़त्म नहीं करेंगे। हम वफाक से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर की एलोकेशन को 100 MJD से बढ़ाया जाए और जो इजाफी हमको पानी मिलेगा हम दूसरी कनाल से उसको चलाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 85 MJD के दो प्रोजेक्ट, एक 60 MJD का और एक 25 MJD का, जो पानी को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, रिसाइकिल करके सनती इस्तेमाल किया जाएगा उसका। अभी आपकी जो मौजूदा सनत है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पानी, मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी ज़रूरत है पानी, हमें अंदाज़ा है इस बात का। वो भी जब मईशत चलती है, सनत चलती है, मुल्क चलता है, हमें अंदाज़ा है इस बात का। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सनती इस्तेमाल के लिए वो रिसाइकल्ड पानी इस्तेमाल किया जाए, कि सनती ज़रूरियात उस रिसाइकल पानी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो 85 MJD पानी आप सेव करें और वो 85 MJD पानी आपके, मेरे, हम दोस्तों के, गरीब आदमी के, मुतवस्सत तबके के आदमी, अमीर आदमी के घर में लाइन के ज़रिए उसको मिल सके। दुनिया भर में समंदर के पानी को मीठा करके डीसैलिनेशन के ज़रिए, RO के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। हम समंदर के ऊपर वाक़े हैं,
कोई तकरीबन 500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है सूबा सिंध की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ कभी किसी ने डिसैलिनेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि आज से कोई 7 रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध की सरबराही में इजलास हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और इब्राहिम हैदरी हमने जगह का इंतखाब किया है। मेरे साथ नज़ीर भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, रफ़ीक जज साहब भी मौजूद हैं जो वहाँ के टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं। इब्राहिम हैदरी में इंशाल्लाह 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार है, जल्द उसकी कंसल्टेंसी होकर प्रोक्योरमेंट फेज़ में हम चले जाएंगे। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा ये होगा शहर के अंदर कि K4 तो एक किंजर के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा हमने अल्टरनेट सोर्स हब की, अल्टरनेट सोर्स समंदर की, और अल्टरनेट सोर्स जो कि रिसाइकल पानी है जो ज़ाया हो जाता है उसके ऊपर हम काम करें ताकि शहरियों की मुश्किलात में हम कमी ला सकें। बकरीद आने वाली है, आलाइशों के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, इंशाल्लाह कल उसके ऊपर हम सब जॉइंट एक मीटिंग करेंगे सॉलिड वेस्ट के साथ ताकि उसका एक हम डिप्लॉयमेंट प्लान अपना बना सकें, ताकि जिस तरह बारिश का एक इमीडिएट चैलेंज है उसी तरीके से बकरीद का भी जो हमारा चैलेंज है इसको भी हम कामयाबी से उबूर कर सकें।